से शुगर की गोली लेते थे और अब एक भी नहीं ले रहे। अपने आप को फर्क क्या फील हो रहा है, आपको बेटर कैसा फील हो रहा है? एक तो देखो दिमागी संतुलन ठीक हो गया कि शुगर तो है ही नहीं। मैंने कई हजार पेशेंट्स का इंटरव्यू लिया है, उन्होंने यही कहा है कि अंग्रेजी पैथी में ठीक नहीं हो, लेकिन आज तक एक भी पेशेंट ने नहीं कहा कि आयुर्वेदिक में ठीक नहीं हुए। अच्छा ये पेशेंट है, ये इनकी फाइल है, ये इनकी डीटीपीए स्कैन है, इनकी किडनी 9% काम कर रहे हैं, इनसे पूछो जरा। 30 साल से ले रहा हूं शुगर की मेडिसिन, 30 साल से शुगर की गोली लेते थे और अब एक भी नहीं ले रहे। कितने दिन से नहीं ले रहे? 5 दिन से, जब से आऊँ 20 साल से ले रहे थे, 5 दिन से एक भी जब ऐसे से यहाँ आए हैं। ये शुद्धिकरण मेरठ में पड़ी हुई है, मेरे जो घर से लेके आया था एलोपैथी की, वो 30 साल की केमिकल वाली गोली नहीं किडनी फेल किया। आप एक काम करो, कुछ नहीं करना है, लिखो साइड इफेक्ट ऑफ ग्लिमेपराइड, साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन, जो भी नाम बोले लिखना, आपके सामने पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। डायरिया, स्टमक पेन, भूख ना लगना, आपको वोमिट की फीलिंग। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन? अब ये कह रहा है अंडर सर्टन कंडीशन टू मच मेटफॉर्मिन कैन कॉज लैक्टिक एसिडोसिस, यानी कि आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, इतनी एसिडिटी बढ़ जाएगी जिससे किडनी या फेल हो सकती है या हार्ट खराब हो सकता है। अब मुझे बताओ, ये साफ साफ गूगल ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, और 1996 से इनको गोली दी। अच्छा, आपको पता होता कि गोली शुगर की छूट सकती है तो आप कभी आयुर्वेद में कभी गए भी कब सर? आप कभी आए नहीं तो हेम्स है, आपको लगता ही नहीं ना, आप भारत के निवासी थोड़ी हो, आप ब्रिटिशर हो, आप लंदन के निवासी हो, भारत में तो गलती से आ गए आप, है ना, यही लग रहा है ना। तो अंग्रेज भारत में एक ऐसा खेल खेल के चले गए कि अंग्रेजी पैथी सब कुछ है, भारतीय पैथी तो बेकार है। अब आपके सामने ये बच्चा है, ये है, अब इन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाई, इनका अभी तक कोई डायलिसिस नहीं हुआ। क्रिटन कितना है इनका? 6.8. अच्छा, आपको मॉडर्न पैथी के डॉक्टर ने क्या क्या बताया? 1.56 तक तो मैं गया हूँ डॉक्टर के पास, उसके बाद मैं गया ही नहीं। नहीं नहीं, 6.8 पे जो क्रिटिनाइन हो जाता है तो आमतौर पे डॉक्टर क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। और आप उस पैथी में गए ही नहीं, या फिर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। और किसी ने बोला था कभी जिंदगी में आज तक कि शुगर रिवर्स हो सकती है? 30 साल हो गए गोली खा रहे थे, अगर बोला होता तो पहले शुगर ठीक करते हैं। आपके सेशन में सुना है कि वो डायबिटीज की आप गोली खा रहे हो, तो जाती कहां है शुगर? रहती तुम्हारे शरीर में। दिखा दूंगा आपको 20 HbA1c और वो फरीदाबाद में बहुत सारे स्कूल्स चलाती हैं, 20 HbA1c ऑक्सीजन लेती थी। अच्छा, वो जो मैडम है पगड़ी बांधती है, सरदार है वो, मैं उनका इंटरव्यू, अमृत छका उनका HbA1c अब 5.5 है, कोई इंसुलिन नहीं लेती, कोई ऑक्सीजन नहीं लेती, 18 गोलियां खाती थी, एक भी गोली नहीं खाती। मैं 4 और 5 गोली मैं भी खा रहा था डेली शुगर की, दिमागी संतुलन ठीक हो गया कि शुगर तो है ही नहीं, शुगर तो है ही नहीं, बाकी अब चलने में सांस चढ़ जाता है, यहाँ तक जाने में अब वो चीज नहीं है। मैंने आपको अभी क्या बोला, कितने दिन लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, पहले ये बताओ। 15 दिन और मैंने उसके बाद क्या बोला, क्या करना है? अगर परहेज करना पड़ेगा, इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, 3 महीने बाद ये डीटीपी स्कैन दोबारा करेंगे, अगर तो आपकी डीटीपी में किडनी इंप्रूव आ जाए तो क्या करना है? मैंने बोला प्रसाद बांटना, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, लंगर बांटना, प्रसाद बांटना, और अगर मेंटेन भी आ जाए तो भी क्या करना, यही करना, और कम हो जाए तो दोबारा से पूरा जोर फिर लगाना, सारा खेल इच्छा शक्ति का। मतलब ठीक हो सकती है, ठीक हो सकती बस दोस्तों, ठीक हो सकती है, लेकिन आपको अपनी इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। वीडियो को शेयर करना इसलिए भी जरूरी है, बहुत सारे लोग लूटपाट का शिकार हो रहे हैं, उनसे हमें बचना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कर देना, धन्यवाद। हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं, चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, मेरठ, नवी मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।